शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी बनी छात्राएं सुनी लोगों की फरियाद। मुरादाबाद सिविल लाइन स्थित डीएम कार्यालय का भार संभालने वाली छात्रा शिखा राज सैनी बनी जिलाधिकारी और एसएसपी बनी मोनिका गुप्ता ने सुनी लोगों की समस्याएं। आपको बता दें कि मुरादाबाद में मिशन नारी शक्ति के अंतर्गत जिले की टॉपर छात्राओं को आज 2 घंटे के लिए मुरादाबाद का जिलाधिकारी व एसएसपी की पोस्ट पर बैठाया गया। वहीं जिलाधिकारी बनी शिखा राज सैनी की माने तो वे डीएम बनकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना चाहती हैं। उधर एसएसपी बनी मोनिका गुप्ता भी एसएसपी बनकर बहुत ही उत्साहित दिखी और वह भी प्रशासनिक सेवा में ही जाना चाहती हैं। वहीं दोनों छात्राओं ने कहा कि पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। वहीं दोनों अधिकारी बनी छात्राओं ने अपने अपने कार्यालयों में बैठकर फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और वहां पास में मौजूद उस कार्यालय के अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी कर अपना पक्ष भी रखा। आज एसपी बनी अधिकारी, तो कैसा लग रहा है, क्या शिकायतें सुनी आपने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत सी शिकायतें सुनी थी, जैसे कुछ साइबर क्राइम होते हैं या और भी कोई क्राइम होते हैं तो उनके लिए हमें कानून के तहत क्या करना चाहिए, ये मैंने सीखा आज और ये देखा भी कि कैसे उसे हैंडल करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सीओ की पोस्ट पे बनके। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी पोस्ट पे बनी रहूँ, तो मैं इसी क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। पीड़ित को न्याय दिलाकर कैसा आपको फील हुआ? पीड़ित को न्याय दिला के बहुत अच्छा लगा कि मेरे द्वारा किसी के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और मैं अपने पद पर बैठी हूँ तो उसका मुझे वो करना चाहिए। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस पद पर हूँ और लोगों के भलाई के लिए कार्य कर रही हूँ। तो किन किन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया सीओ साहब के माध्यम से? क्या उनके द्वारा मुझे ये बताया गया कि जैसे क्या कार्य होते हैं सीओ के, और पूरी कानून व्यवस्था को देखना अपने क्षेत्र में किस तरीके से हमें अपने जो इंस्पेक्टर हैं और हमारे नीचे जो काम करते हैं उन्हें किस तरीके से गाइड करना है या इंस्ट्रक्शंस देने हैं उन्हें। गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है इसे किस तरह से लोगे और क्या प्रेरणा लगती है आपको? इससे मुझे ये प्रेरणा ही मिलती है कि मतलब जो लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, सही न्याय मिलना चाहिए उन्हें, और हम अपने जो पोस्ट पे हैं हमें उसका लाभ लेना चाहिए कि हम लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने देश की कानून व्यवस्था को आगे लेके जाएं, जिससे हमारा देश सभी में सबसे आगे रहे क्षेत्र में, कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में हमारा देश सबसे आगे प्रगति करे। गवर्नमेंट ने आपको एक मौका दिया है, आज यहाँ पर बैठने का मौका मिला है और आपको एक दिन का क्या कहेंगे गवर्नमेंट के लिए जिसने आपको मौका दिया? गवर्नमेंट के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज इस पद पर नियुक्त किया है, जिससे मैं लोगों के बीच जा सकती हूँ, उनकी समस्याएं को समझ सकती हूँ, उनका समाधान कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा प्रयास है उनका ये बहुत। किस तरह का अनुभव है कि सीओ बनकर, आज सीओ बनकर मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, तो मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चेयर है, तो सबसे पहले कैसी फीलिंग्स आ रही है और लोगों की कंप्लेंट भी सुन रही है? सबसे पहले तो जिला मजिस्ट्रेट बहुत जिले की सबसे बड़ी पोस्ट होती है और यहाँ पर बैठ कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सम्मान मिल रहा है ऐसा। और आज एक कंप्लेन भी आई है कि मंदिर के सामने कोई शराब की दुकान है, वो इलीगल तरीके से खोलता है उसको और वहाँ कत्ल के भी मामले आए हैं, तो ये इलीगल है, तो इसके लिए यहाँ पे उचित कार्रवाई की जाएगी मामले की जांच कर ऐसा इसमें हुआ। तो क्या सर लग रहा है आपको यहाँ पे चेयर पे बैठ के, और क्या लगता है क्या एम लेके आप अपने करियर में इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाना चाहेंगी, किस तरीके से सफल है और कैसे लोगों को जानना समझना कैसा लग रहा है अभी इतनी देर का सफर जो आपका है? अभी तक सफ़र बहुत अच्छा रहा है, इंटरमीडिएट में मार्क्स भी अच्छे आए हैं और ये जो सामान आज हमें मिल रहा है उससे बहुत ही मोटिवेशन हमें मिलेगा और आगे लड़कियां जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी मोटिवेशन की बात है कि वो भी पढ़ें और ऐसे सम्मान उनको भी मिले। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कैसा इनिशिएटिव है जो इस तरीके से आप जैसे जितने भी प्रमुख बच्चियाँ हैं उनको इस तरीके की ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे कुछ देर के लिए रखना, तो ये कैसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का? बहुत ही सराहनीय कार्य है, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को, जो भी महिलाओं के लिए किया जा रहा है मिशन शक्ति है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया गया है अभियान, उससे काफ़ी कुछ अच्छा होगा।
मामले में और महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी तो ये हमारे समाज के लिए भी अच्छा है।